नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई टीएल बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय और कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली टीएल बैठक में शहर के कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चलाए जा रहे हैं राजस्व अभियान को लेकर भी समीक्षा की गई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि राजस्व महाअभियान को लेकर जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व विभाग में लंबित पड़े मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करें। साथ ही साथ उन्होंने ज़मीन मालिकों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी ज़मीन मालिकों को अपना खसरा नंबर समग्र से लिंक करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए शासकीय अमला उनके पास पहुंचता है तो वो उन्हें पूरा सहयोग करें। अंतर्विभागीय समन्वय के सारे जो मुद्दे हैं वो ऊपर करने के लिए सबसे पहले कि आज से लेवल में करने लेवल में स्टैंड्स को जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के जहाँ से बसें चलती हैं उनको सील किया गया था, उनको सबको बाहर शिफ्ट कर लिया गया है। अब इसी के तहत दूसरे चरण में जो दूसरी लंबी दूरी वाली बसें हैं उनको हमको शिफ्ट करना है। जो AICTSL की बसें हैं खासतौर पर जो बॉम्बे साइड में जाती हैं लंबी दूरी की हैं, सबसे पहले उनको हम लोग नाकाबुला में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जितनी भी लंबी दूरी की बसें चलती हैं उन सबको बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई करी जाएगी। शहर के अंदर से केवल जो सिटी बसेज हैं और जो उपनगरीय बस की सेवाएँ हैं वही संचालित होंगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक से जुड़े हुए अन्य जो मुद्दे हैं उनमें भी चर्चा करी गई है। खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं और उन्हीं के पास अगर कोई मल्टी लेवल पार्किंग खाली पड़ी है तो मार्केट एसोसिएशन के जो एम्प्लॉइज हैं कम से कम उनके द्वारा उनका प्रयोग किया जाए और अन्य जमीन देखकर हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज पार्किंग बनाएं, जिससे कि कम से कम दुपहिया वाहन वहाँ पर खड़े किए जा सके। इस संबंध में सर्वे कराकर लोग आगे काम करेंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए जितनी भी रोड पर अगर सब्जी मंडियाँ लग रही हैं उनको भी हम लोग शिफ्टिंग के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किया गया है, गर्मी महीने से सितंबर से जो ज़िले में हमारा अल्फा है जो सैलरी निकालने का सिस्टम है वो बायोमेट्रिक पर आधारित रहेगा और इसकी शुरुआत हम लोग कलेक्ट्रेट से करा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में अगले महीने से मतलब सितंबर की जो सैलरी होगी, चाहे कलेक्टर हो या अन्य कर्मचारी हों, उनकी सबकी बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस के आधार पर सैलरी निकलेगी और धीरे धीरे हम लोग अगले दो महीने पूरे ज़िले भर में। टाइम न्यूज़ देखिए